होडल के गांव सौंध में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा फिर से तोड़ दी गई है। 3 महीने के अंदर एक ही गांव में एक ही जगह में दूसरी बार अंबेडकर की मूर्ति खंडित की गई है। इस मामले को लेकर गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। जैसे ही घटना की सूचना जिला प्रशासन और पुलिस को लगी तो उपमंडल अधिकारी से लेकर DSP और होडल थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और छानबीन शुरू कर दी गई। हालांकि घंटों तक छानबीन के बावजूद प्रतिमा का खंडित हिस्सा पुलिस ढूंढ नहीं पाई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने भारी नाराजगी जाहिर की है। ये गांव सौंध तहसील होडल जिला पलवल की सौंध गांव में चमनकुंड मंदिर है जिसपे बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। जैसा कि आप सभी को पता है, पहले 14 अप्रैल को भी ये कांड हो चुका था। 14 अप्रैल के बाद मूर्ति तोड़ दी थी। उसके बाद भी प्रशासन ने को बुलाया, प्रशासन ने आश्वासन दिया, मूर्ति लगवा दी। प्रशासन ने कहा था कि मुजरिमों को ले आएंगे, लेकिन अभी तक मुजरिम नहीं आए। फिर वही कांड दोबारा दोहराया गया है। और बता दूं कि 11 तारीख को फिर ये दोबारा मूर्ति खंडित कर दी गई है, लेकिन प्रशासन कुछ भी नहीं करता। प्रशासन को ढील बहुत दे रहा है। ये जो कमी प्रशासन की, अगर ये पहले प्रशासन मजबूती से काम करता तो आज ये काम नहीं होता। ये तो क्या शिकायत दिया आपने? अब शिकायत दिया, अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दी है। अब कहते हैं कि हमारे से पूछते हैं कि आप बताओ मुजरिम कौन है। अगर हम बताएंगे तो फिर तुम्हारा क्या फायदा है, ये बताओ मेरे को। जब हमारे ये सामने मुजरिम होता, हमारे सामने कोई मूर्ति तोड़ भी नहीं सकता, तो फिर हम कैसे बता देंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ये मूर्ति गाँव सौंध स्थित चमन मुंड मंदिर पर स्थापित की गई है। जब 3 महीने पहले इसी जगह पर अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित किया गया था तो मामले में महापंचायत बुलाई गई थी और तनाव बढ़ता देख प्रशासन द्वारा दूसरी मूर्ति लगवाई गई थी। इतना ही नहीं, दोबारा इसी तरह की घटना ना घटे इसके लिए अंबेडकर की प्रतिमा के चारों तरफ लोहे की जाली भी लगवाई गई, लेकिन बावजूद इसके फिर से मूर्ति खंडित कर दी गई और अब प्रशासन और पुलिस के पास कोई संतुष्ट जवाब नहीं है। बाबा साहब की मूर्ति की जो प्रतिमा अस्थिकृत की थी, इसके लिए हमने एफ आई आर दर्ज कर दी और इस फाइल को हमने CIA को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ वारदात हो चुकी है। तो ये हमारे लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसको हम चाहेंगे जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर दिया जाए और जो इसके पीछे दोषी हैं उनको हवाला। हाँ, पहले भी 3-4 महीने पहले यहाँ मूर्ति टूटी थी, लेकिन उसमें हमने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। शायद कहीं ना कोई छोटी मोटी कोई कमी रह गई हो, तो इस बार हम उस कमी को भी दूर करके जल्द से जल्द इनको आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। देखिए, सौंध गांव में जो ये दुखद घटना हुई है, इसके बाद लोगों के यहाँ डिमांड थी मूर्ति पुनर्स्थापित करने की, तो हमने पूरा आश्वासन दिया कि प्रशासन की तरफ से जल्दी मूर्ति पुनर्स्थापित की जाएगी। जो इसकी मूर्ति की सिक्योरिटी को लेकर जो CCTV कैमरा की डिमांड है, ये भी जल्दी ही पूरी कर दी जाएगी और पुलिस जो है इस मामले में अपने नियमानुसार कार्रवाई करेगी। मैम, जैसे पहले भी 2 महीने पहले भी वारदात हुई, लेकिन उसमें आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए, तो आप इन लोगों को क्या आश्वासन दे रहे हैं? अब क्या कार्रवाई आगे बढ़ी है? पुलिस प्रक्रिया जो है वो प्रोसेस में है और अभी भी हम आश्वासन देते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है इस मामले में उचित पुलिस कार्रवाई करी जाएगी और जो नियम अनुसार कार्रवाई बनती है। 3 महीने में दूसरी बार खंडित की गई प्रतिमा को लेकर ग्रामीणों में तनाव का माहौल है। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई को लेकर दावे तो बड़े बड़े करता है, लेकिन ना तो अभी तक पहले मामले में आरोपी पकड़े गए हैं और ना ही इस बार पकड़े जाने की कोई उम्मीद है। बहरहाल, तनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों को सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। अब देखना होगा कि अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने वाले शरारती तत्वों को कब तक गिरफ्तार किया जाता है। होटल से हरिओम भारद्वाज, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।